हे गाइस, मैं हूं विश और आप देख रहे हैं लर्न बेसिक्स। तो आज मैं बात करने जा रहा हूं टास्क मैनेजर के बारे में। जी हाँ, टास्क मैनेजर एक फंक्शन है जो कि विंडोज में दिया होता है। देखने में तो बहुत सिंपल लगता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल फंक्शन है। कभी कभी क्या होता है कि हम कंप्यूटर पर जब काम कर रहे होते हैं तो कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो स्टक हो जाते हैं, यानी कि ना तो उसको हम क्लोज कर सकते हैं ना तो उसको ऑपरेट कर सकते हैं। उस केस में टास्क मैनेजर हमारी मदद करता है उस प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूं कि आप किन किन तरीकों से टास्क मैनेजर को ओपन कर सकते हैं, यानी कि मैं आपको चार अलग अलग मेथड बताऊंगा जिसके थ्रू आप टास्क मैनेजर ओपन कर सकते हैं, और अगर किसी प्रोग्राम को क्लोज करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले दो इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेरे चैनल पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों पे वीडियो मिल जाएंगे। ये वीडियो हिंदी में है, अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो सेम टॉपिक पे वीडियो में इंग्लिश में रिकॉर्ड कर चुका हूँ, आप वो देख सकते हैं। दूसरा ये कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा कुछ नया सीखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, जानते हैं कि वो कौन कौन से तरीके जिनसे हम टास्क मैनेजर ओपन कर सकते हैं और टास्क मैनेजर में किसी प्रोग्राम को हम कैसे क्लोज करते हैं। ठीक है, तो पहला तरीका टास्क मैनेजर ओपन करने का, देखिए मेरा कर्सर है, मैं इसको यहाँ टास्क बार में ले जाऊँ, उसके बाद यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा तो मुझे टास्क मैनेजर का ऑप्शन दे देगा। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए टास्क मैनेजर मेरा ओपन हो गया। ठीक है, तो ये था पहला मेथड। दूसरा, सर्च ऑप्शन में जाइए और वहाँ पर टास्क मैनेजर लिख दीजिए। ठीक है, जैसे देखिए मैं लिख रहा हूँ, मैंने देखिए टास्क मैनेजर लिखा और इसने मुझे टास्क मैनेजर का ऑप्शन दे दिया। सिंपली मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा मेथड, अगर मुझे कीबोर्ड की मदद से करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप बटन प्रेस करूंगा और ये देखिए टास्क मैनेजर यहाँ पर ओपन हो गया। ठीक है, एक और भी कीबोर्ड की सहायता से एक और मेथड होता है जिससे आप टास्क मैनेजर ओपन कर सकते हैं, वो होता है कंट्रोल ऑल डिलीट। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर टास्क मैनेजर का ऑप्शन है, मैं क्लिक करूँगा तो देखिए ये टास्क मैनेजर ओपन हो गया। भाई देखते हैं, अगर किसी प्रोग्राम को मुझे क्लोज करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे गूगल क्रोम दिया हुआ है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये प्रोग्राम मेरा स्टक हो गया है या हैंग कर गया है या किसी वजह से मैं इसको ऑपरेट नहीं कर पा रहा हूँ, ना ये क्लोज हो रहा है ना ये ऑपरेट हो रहा है, तो सिंपली मुझे यहाँ पर इसको सेलेक्ट करना है, टास्क मैनेजर में राइट क्लिक करना है और यहाँ पर जैसे ही राइट क्लिक करूँगा ये देखिए यहाँ पर एंड टास्क का ऑप्शन दे रहा है। जैसे ही आप एंड टास्क करेंगे आप ये देखेंगे कि ये प्रोग्राम यहाँ से क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए गूगल क्रोम यहाँ से हट गया है। तो इस तरह कोई भी प्रोग्राम जो मतलब जिसको आप ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, स्टक हो गया है, तो उसमें टास्क मैनेजर आपके लिए बहुत मददगार साबित होता है, बहुत आसानी से वहां से आप उसको हटा सकते हैं। तो आई एम श्योर गाइस, आपको समझ में आ गया होगा टास्क मैनेजर को कैसे ओपन करना है और इसके क्या क्या यूसेज है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।